हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जोहो क्रिएटर में फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उस फंक्शन को मल्टीपल जगह पर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम HTML पेज में उस फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फंक्शन का पता होना चाहिए कि हम फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं और फंक्शन बनाते किस लिए हैं। अब सपोज करिए मैं यहाँ पर दो फॉर्म बनाता हूँ। यहाँ पर सपोज करिए मैं फॉर्म बनाता हूँ दो। किसका बनाते हैं? ठीक है, मान लो मैं एक सेल्स पर्सन के नाम से एक फॉर्म बनाता हूँ। सेल्स पर्सन का नेम ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर। ठीक है, अभी के लिए मैं ये तीन फील्ड ही ले लेता हूँ। ठीक है, और एक मेरा फॉर्म है, सपोज करिए सेल्स आइटम का। उसमें मैं ले लेता हूँ आइटम नेम, और आइटम का प्राइस, प्राइस प्राइस यूनिट प्राइस मैंने ले लिया उसका प्राइस। और एक मैं फील्ड ले लेता हूँ सेल्स पर्सन की नेम की, और एक फील्ड में ले लेता हूँ एड नोट्स की। अभी देखना इस एड नोट्स की फील्ड के अंदर हम इसको कैसे हम यूज करते हैं। इसका नाम आप कुछ भी, एक हो गया आपके पास आइटम्स का फॉर्म और एक आप ले लेते हैं, जैसे हम एक फॉर्म ले लेते हैं इनवॉइस। मैं आपको सिंपली ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक ही जगह से, एक ही फंक्शन से मैं कैसे दो या तीन फॉर्म को, उस फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। तो सेकंड मैंने ले लिया, हेलो इनवॉइस मैनुअली डाल लेगा, वैसे ऑटो जनरेटेड होता है ये, मैनुअली डलवा लो इससे। और यहाँ पर हम लुको फील्ड लगा देते हैं, हमारी लुको फील्ड ये रही सेल्स पर्सन। और एक मैंने यहाँ पर एड नोट्स की फील्ड ऐड कर दी और इसको भी हटा दिया। तो हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो मैं एक दो सेल्स पर्सन ऐड कर देता हूँ। बिंदल एरिया,
बढ़ाऊंगा। ठीक है, और मान लो ये है हमारी आइटम्स। आइटम्स पे टेस्ट आइटम 1 रख लिया, सब राइट डाल लिया 12। इसका जो सेल्स पर्सन था वो राहुल डाल दिया, और दूसरा आइटम 2 था, प्राइस मैंने इसका 12 डाल दिया, इसका टेस्ट के अंदर था। अब जब ये इसमें जो हमने, अब हम चाहते हैं कि जब भी ये सिलेक्ट हो इस पर इसकी ईमेल और फ़ोन नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो आप देखना कैसे, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं वर्कफ्लोज में गए, फंक्शन में फंक्शन बनाया मैंने, एक फंक्शन का नाम ले दिया गेट सेल्स पर्सन और डिटेल्स। इसमें मैं एक आईडी, नेम स्पेस हमारा डिफॉल्ट ही रहेगा, इसको मैं रिटर्न करने वाली स्ट्रिंग, और इसमें हमारी जाएगी आईडी, रिकॉर्ड आईडी। इसका पैरामीटर का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। ये हमारा डिटेल आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्म है सेल्स फॉर्म पर्सन आईडी इक्वल टू आईडी। ईमेल इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट ईमेल, फोन नंबर टू आउटपुट फोन नंबर। इसको क्या किया, टेबल बना लिया डिटेल्स इक्वल टू ईमेल टैग लगा दिया और काम और करता हूँ। मैं टैग यूज कर लेता हूँ, टैग यूज कर लेता हूँ। अब ये इस डिटेल को ऐसे, अगर हम इसमें डाला, यहाँ पर आईडी पूछ रहा है रिकॉर्ड की, हमने रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर सेल्स पर्सन की आईडी डालनी है, तो उसने हमारा कुछ भी डाटा रिटर्न नहीं किया है, ये आईडी हमने डालनी है। आईडी और ईमेल एस्टिमेट टाइम में दे दिया है। हमने करना क्या है कि जब भी वो यहाँ पर सिलेक्ट करे फोन यूजर इनपुट पर हमारा डाटा शो करते हैं, और चेक करते हैं हमारे पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। मैं क्या किया, ऑन क्रिएट एडिट ऑन यूजर इनपुट फॉर्म हमारा है से आइटम्स ऑन क्रिएट एडिट ऑन यूजर इनपुट
फील्ड हमारी सेल्स पर्सन, कोर फंक्शन, फंक्शन का नाम हमारा था गेट सेल्स पर्सन, आईडी में हमारे पास जाएगा यहाँ पर सेल्स पर्सन नेम, चेक करते हैं इसके पास। इनपुट डॉट लाइन हमारा, चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। इसमें नहीं आएगा ये वर्कफ्लो, मैंने आइटम से ही बनाया है और यूजर इनपुट सेल्स पर्सन। इसमें इनपुट ही होगा सेल्स पर्सन नेम, चेक करते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया था, ये देखिए देखिए हमारे पास डिटेल्स शो हो गई है। अब ये तो हमारा एक जगह हो गया है कि आइटम्स में, अब हम चाहते हैं कि इनवॉइस में भी ये डाटा शो हो। जैसे मैं ये सिलेक्ट करूँ, ये सिलेक्ट करूँ, तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है, इसको इनवॉइस में भी रख देना है। इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ मैं भी बताता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं देखिए, हुआ क्या कि हमने एक फंक्शन बनाया है कॉमन फंक्शन, जिसमें हम उस पर्सन की आईडी को पास करेंगे, वो पर्सन की आईडी हमारे पास इस वेरिएबल में आ जाएगी, वो निकालेगा इसको डाटा को और यहाँ से इसको एक यानी वेरिएबल में सारे डाटा को मर्ज कर लिया है और इसको डिटेल को यहाँ से रिटर्न कर दिया है। जब भी कोई यूज़र इनपुट होगा, जब भी कोई सिलेक्ट करेगा पर्सन को, ये पर्सन के स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गए हैं, थोड़ा एम की एन की जगह एम आ गया है, तो एन की जगह थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर करिए। तो अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पर ऑन यूज़र इनपुट होता है, ये फंक्शन कॉल होगा, इसमें हमारी आईडी चली जाएगी उस फंक्शन पे, उसने डाटा रिटर्न किया है डिटेल्स के वेरिएबल में था और वो डाटा हमारा इस वेरिएबल में आ गया रिस्पांस में, और रिस्पांस वेरिएबल को मैंने यूज़र इनपुट कर दिया है इसमें। अभी तो हमारा फंक्शन के अंदर छोटा सा ही कोड था, तो ये कोड बहुत बड़ा भी हो सकता है,
आप कुछ सेम थिंग। अब देखिए, इसमें एक बेनिफिट और हो गया है। अगर मैं इस टाटा का कलर चेंज करना चाहता हूँ, सपोज करिए मैं यहाँ पर कोई CSS लगा देता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू, हेलो मैंने लिख दिया कलर एट। तो अब देखिए, ये देखिए रेड हो गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी जाकर देखता हूँ तो भी ये रेड दिखा रहा है। तो आप, आपको बेनिफिट क्या हो गया है, कहाँ ये आपको CSS आपको बार बार वर्कफ्लो में, दो वर्कफ्लो में, तीन वर्कफ्लो में, जितनी बार भी आप वर्कफ्लो यूज़ करोगे उनमें सारे में चेंजेस करने पड़ता है। कहाँ आपने एक कॉमन फंक्शन बना लिया है और उस फंक्शन को कॉल करवा रहे हो दूसरी जगह पे, और उस फंक्शन के अंदर आप चेंजेस कर रहे हो। अगर आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर के साथ साथ नेम भी डिस्प्ले करवाना है तो आपको वहाँ पर जाकर भी सारे जितने भी आपके पास वर्क फ्लोज हैं उनमें आपको नेम शो करवाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट है, आपने क्या किया, जस्ट इस कोड में थोड़ी मॉडिफिकेशन की, लाइक यहाँ पर डाले मैंने नेम, मैंने डाल दिया बी आर देखिए, एक जगह पे नेम डाला है वो दोनों जगह पे शो कर देगा। ये देखिए, तो इससे आपको बेनिफिट हो गया है कि आपको पूरी डिटेल आपको 2 मिनट में यहाँ पे शो हो जाएगी। आप जिसका भी यहाँ पर शो करवाना चाहते हो डाटा, ये जस्ट एक एग्जांपल है। इस फंक्शन के थ्रू आप किसी फील्ड को अपडेट भी कर सकते हो, उसका डाटा कैलकुलेशन भी आप अगर शो करवाना चाहते हो तो मल्टीपल जगह, अगर आपकी कैलकुलेशन सेम कैलकुलेशन यूज़ हो रही है तो आप फंक्शन बनाइए, एक कॉमन फंक्शन बनाइए, उस फंक्शन को मल्टीपल जगह पे वो करिए, कॉल करिए, और उसकी कैलकुलेशन आपकी इसी फंक्शन में रहेगी। और आप इसी फंक्शन में अगर कैलकुलेशन चेंज करते हो तो वो जितने भी जगह वो फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो वहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। ये फंक्शन रिक्वायरमेंट वहाँ पर काम करती है जहाँ आपको सेम थिंग मल्टीपल टाइम आप यूज़ कर रहे हो। तो ध्यान रखें, अगर आप एक बार एक ही जगह पे आपको शो करवाना था ये, तो आप वर्कफ्लो में ही करवाइए, क्योंकि फिर आप वर्कफ्लो भी बना रहे हो, फंक्शन भी बना रहे हो, तो इससे आपका काम ही बढ़ रहा है। तो अगर आप सेम, जैसे मैंने यहाँ पर दो जगह पर डाटा सेम शो करवाना था, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि जब भी मैं कोई सेल्स पर्सन सेलेक्ट करूँ तो मेरा डाटा उसका उससे रिलेटेड डाटा शो हो जाए। तो इनवॉइस में मेरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थी कि अगर इसमें कोई मैं कोई डाट सेल्स पर्सन सेलेक्ट करता हूँ तो उससे रिलेटेड डाटा आ जाए। तो ऐसे ही मेरा सेम रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, दो जगह ना कोड लिख कर मैंने एक जगह कोड लिखा और दो जगह फंक्शन कॉल करवाया। इस फंक्शन में मैं कुछ भी चेंजेस करता रहूँगा बार बार, और वो चेंजेस दोनों जगह रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। तो गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और ध्यान रखें कि हमने कोडिंग को इजी बनाना है, और कन्फ्यूज मत होइए। ये फंक्शन के बारे में थोड़ा सा गो थ्रू हुआ ये कि हम फंक्शन बनाते क्यों हैं। अगर आपको मेरा लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार आप थ्योरेटिकली पढ़िए, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए। और आप अगर किसी वीडियो पे, टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करिए, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस।